hello all welcome to my channel learn with pragati today in the series of english-english we are going to learn some positive english sentences if we use them on our daily basis then it would be helpful in making child so confident and kind and in developing the sense of positivity and encouragement in the child so let's see आज जो हम 25 फाइव इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं इसको डेली बेस पर अपने बच्चों के साथ यूज़ करने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं पहला तो ये कि आपको उनमें गारंटीड एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा पॉजिटिविटी आएगी एनकरेजमेंट आएगा कोई भी काम नया काम करने के लिए और दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा है कि वो इंग्लिश से और ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे और आई कैन से विद दी हंड्रेड परसेंट गारंटी कि आपको उनमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेंटेंस आई एम ग्लैड दैट यू इंजॉय लर्निंग जब आपका बच्चा पढ़ता है तो आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए उसको बताना चाहिए कि आपको बहुत गर्व हो रहा है कि वो एन्जॉय कर रहा है पढ़ाई को सेकेंड है यू आर रियली इम्प्रूविंग जब वो आपको पढ़ के दिखाता है और जब डे बाय डे उसमें इंप्रूवमेंट आता है तो आपको वो कहना चाहिए कि यू आर रियली इंप्रूविंग माई चाइल्ड तो उससे आप उसके आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा नेक्स्ट सेंटेंस इस दैट्स क्रिएटिव जब आपका बच्चा कुछ अच्छा सा आपके लिए कार्ड बनाता है या फिर कोई अच्छी सी पेंटिंग करता है तो आपको बोलना चाहिए दैट्स क्रिएटिव कि बहुत अच्छी क्रिएशन है नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट्स द वे टू डू इट जब आपका बच्चा आपको कोई पजल सॉल्व करके दिखा दे तो आपको उसे कहना चाहिए कि दैट्स द वे टू डू इट कि हाँ ये बहुत अच्छा यही तरीका है इसको सॉल्व करने का नेक्स्ट सेंटेंस इज वन मोर टाइम एंड यू विल हैव इट जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो और वो क्वेश्चन सॉल्व करने ही वाला हो और नहीं हो रहा हो तो आप उसे कहिए कि एक बार और करिए और हो जाएगा वन मोर टाइम एंड यू विल हैव इट यकीन मानिए जब आप बच्चे को बोलते हैं आई ट्रस्ट यू मैं तुम पे भरोसा करती हूँ तो वो फीलिंग उसके लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है और वो इसे ज़िंदगी भर याद रखता है नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम सो हैप्पी फॉर यू जब आपका बच्चा कुछ अच्छा करता है वो पढ़ाई करता है या फिर खेलने में कुछ अच्छा करता है कुछ कुछ भी अच्छी एक्टिविटी करता है और वो खुश होता है तो आपको भी उस, उसके लिए खुश होते हैं तो आपको कहना चाहिए आई एम सो हैप्पी फॉर यू कई बार जब बच्चों में आपस में खेलते हुए कुछ इश्यूज हो जाते हैं हो जाते हैं और वो उसको आपस में ही जब सॉल्व कर लेते हैं तो आपको कहना चाहिए आई लाइक द वे यू हैंडल दैट मतलब मुझे अच्छा लगा तुम्हारा तरीका जिस तरह से तुमने उसको हैंडल किया नेक्स्ट इज़ गुड रिमेंबरिंग कई बार बच्चों को बहुत सारे बर्थडेज़ एनिवर्सरीज या सारी डेट्स याद रहती हैं कि इस दिन ये होता है वो होता है तो हमें उनको कहना चाहिए गुड रिमेंबरिंग तुम्हें तुम्हारी याद करने की पावर बहुत अच्छी है नेक्स्ट इज़ आई अप्रिशिएट योर हेल्प जब आपके बच्चे आपकी कभी किसी काम में हेल्प करे तो आपको उनको कहना चाहिए कि आई अप्रिशिएट योर हेल्प मैं तुम्हारी मदद की तारीफ करती हूँ कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस फील होते हैं या उनका कभी एग्जाम होता है या स्पोर्ट्स होता है तो हमें उन्हें कहना चाहिए आई थिंक यू कैन डू इट मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो उनमें हमें कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए ये लाइन कहनी बहुत अच्छी होती है नेक्स्ट सेंटेंस इज यू डिड इट ऑल बाय योर सेल्फ मतलब कि जब बच्चों आपको कुछ करके दिखाए कोई काम करके दिखाए कोई पेंटिंग ड्राइंग करके दिखाए तो हमें कहना चाहिए वाओ यू डिड इट ऑल बाय योर सेल्फ दिखा तुमने ये अपने आप किया है यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क टूडे जब बच्चे बहुत ज्यादा काम के सिद्धन कर लेते हैं अपना होमवर्क या स्पोर्ट्स सब कुछ है स्कूल के बाद कोचिंग ट्यूशंस तो हमें उन्हें कहना चाहिए कि आज तुमने बहुत सारा काम कर लिया उन्हें अप्रिशिएट करने के लिए मतलब यू डिड अ लॉट ऑफ वर्क टूडे नेक्स्ट सेंटेंसेज यू आर फन टू बी अराउंड बच्चों के साथ सबको खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पर हमें उनको ये रियलाइज़ भी करवाना चाहिए कि हम वाकई में इसको बहुत अच्छा फील करते हैं तो हम कह सकते हैं यू आर फन टू बी अराउंड नेक्स्ट सेंटेंसेस यू कैन ट्राई अगेन टुमारो जब बच्चा किसी चीज़ को बार बार ट्राई कर रहा हो और आप चाहते हैं कि वो उसको कल फिर से ट्राई करे तो आप कह सकते हैं कि यू कैन ट्राई अगेन टमोरो बच्चों की बहुत ज़्यादा हैबिट होती है कि वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं तो आपको अगर उनके क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं वर्दी लगते हैं तो आपको उन्हें कहना चाहिए दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन जैसे कि उनकी ये हैबिट बनी रहे दबे नहीं नेक्स्ट इज़ यू आर अ ग्रेट फ्रेंड तुम बहुत अच्छे दोस्त हो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो अपने पेरेंट्स के क्लोज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं अपने आप को तो हमें उनसे कहना चाहिए यू आर अ ग्रेट फ्रेंड तुम बहुत अच्छे दोस्त हो नेक्स्ट सेंटेंसेस कीप ऑन ट्राइंग और नेवर स्टॉप ट्राइंग मतलब कि हमेशा कोशिश करते रहो या फिर कभी कोशिश करना मत छोड़ो जब बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखाते हो या कोई नई चीज़ सिखाते हो वो शुरू में गिरते हैं या कुछ होता है तो आपको उनसे कहना चाहिए कीप ऑन ट्राइंग आई कैन सी यू ट्राइड हार्ड मैंने देखा कि तुमने बहुत मेहनत की जब बच्चा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अपना मेहनत करता है हंड्रेड परसेंट देखा है देता है तो आपको उसे सपोर्ट करना चाहिए और कहना चाहिए आई कैन सी यू ट्राइड हार्ड मैंने देखा तुमने बहुत मेहनत की नेक्स्ट सेंटेंस इज़ यू मेक माई जॉब ईजी बच्चे आजकल पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करना पसंद करते हैं घर के हाउस होल्ड वर्क में या किसी भी चीज़ में तो जब वो आपकी हेल्प करें तो आपको उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए और कहना चाहिए यू मे मेक माई जॉब ईजी तुमने मेरा काम आसान कर दिया नेक्स्ट इज़ यू हैव ग्रेट आइडियाज़ जब आप अपना कुछ काम कर रहे हों और बच्चे आके उसमें आपको कुछ अपने आइडियाज़ शो करें तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए बोलना चाहिए यू हैव ग्रेट आइडियाज़ हमारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं भले ही आपको लगता है कि वो आपके लेवल के तो नहीं होंगे क्योंकि वो छोटे हैं बट आपको उनको कभी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए नेक्स्ट इज़ नाइस गोइंग जब बच्चे कुछ अच्छा काम कर रहे हों तो आपको उन्हें कहना चाहिए नाइस nice गोइंग तुम सही जा रहे हो नेक्स्ट इज़ यू आर रियली इंप्रूविंग कि तुमने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो जब आपका बच्चा किसी चीज़ में अच्छे रिज़ल्ट शो कर रहा हो तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और कहना चाहिए यू आर रियली इम्प्रूविंग नेक्स्ट इज़ इट्स गुड टू बी क्यूरियस जब आपके बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने में झिझक रहे हों तो किसी चीज़ में क्योंकि उन्हें लग रहा हो कि अब आप डांट देंगी तो आपको उनसे कहना चाहिए इट्स गुड टू बी क्यूरियस कि क्यूरियस होना अच्छी बात होती है नेक्स्ट इज़ दैट वॉज अ गुड चॉइस जब आपके बच्चे अपनी मर्जी से अपने कलर के कपड़े या कुछ ऐसा कुछ खरीदना पसंद करते हैं या पहनना पसंद करते हैं तो आपको उन्हें कहना चाहिए दैट वॉज अ गुड चॉइस जिससे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा okay. तो आज का हमारा सेशन यहीं पर से एंड होता है देखने के लिए थैंक यू प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर